हथियार मौजूद हो लेकिन उन्हें चलाने के लिए बारूद ना हो, तो सोचिए जंग कैसे लड़ी जा सकती है। यूक्रेन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों से मिले एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार हैं, लेकिन यूक्रेन का गोला बारूद खत्म होता जा रहा है। सवाल यह है कि गोला बारूद न रहने पर यूक्रेन जंग कैसे लड़ेगा। कहा जा रहा है कि नेटो में कुर्सी की लड़ाई की वजह से यूक्रेन के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई है। तो क्या यूक्रेन को बारूद सप्लाई बंद हो जाएगा? जंग में सबसे ज्यादा फायदा रूस उठा रहा है। पुतिन की पलटन विध्वंसक हमलों से यूक्रेन के शहरों का विनाश करती जा रही है। ओडेसा, ज़ेपोरिज़िया, खार्किव, खेरसोन, डोनेस्क, कुप्यांस्क और चेर्नोमोर्स्क जैसे शहरों पर रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों में बारूद की भयानक बरसात करके यूक्रेन को दहला दिया। पिछले 24 घंटों में रूस ने ओडेसा में सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेन का वेपन डिपो तबाह कर डाला। ओडेसा में रूस ने ऑनिक्स मिसाइल से अटैक किया। रूस ने ये मिसाइलें सेवेस्तोपोल से दागी। रूस ने ज़ेपोरिज़िया में भी मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जिसमें यूक्रेनी डिफेंस बेस तबाह हो गया। पिछले 24 घंटे में रूस ने ज़ेपोरिज़िया में 23 से ज्यादा फ्रंट लाइन पर हमला किया। यूक्रेन के अंदर 100 से ज्यादा बमबारी की। रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक की। यूक्रेन पर कैलिबर और शाहिद ड्रोन से भी अटैक किए गए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी कामिकाजी ड्रोन से विध्वंसक हमले किए। रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों में खार्किव में भीषण आर्टिलरी अटैक करके यूक्रेन के वेपन डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेन के चेर्नोमोस्क में भी रूसी फोर्स ने क्रूज मिसाइल अटैक करके चेर्नोमोस्क पोर्ट को तबाह कर दिया। नेप्रोपेत्रोवस्क में भी ड्रोन और आर्टिलरी अटैक करके पुतिन की ब्रिगेड ने यूक्रेनी बेस को बर्बाद कर दिया। जानकारों की माने तो युद्ध में यूक्रेन को हो रहे नुकसान की सबसे बड़ी वजह गोला बारूद की कमी है। नेटो में खींचतान के साथ ही ज़ेलेंस्की को हथियारों की कमी के साथ ही गोला बारूद की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के लिए बारूद की कमी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में पूरा फायदा रूस को हो रहा है। अमेरिका और नेटो यूक्रेन के लिए गंभीर बारूद की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जंग लंबी खींच सकती है। अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी भी इस बात को मान चुके हैं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अमेरिका ये भी मान चुका है कि काउंटर ऑफेंस में यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के लिए गोला बारूद की कमी न सिर्फ यूक्रेन के लिए घातक साबित हो रही है बल्कि ये नेटो की साख पर भी बड़ा सवाल है। नेटो ने इतने लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की उम्मीद नहीं की। नेटो देशों ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराकर ज़ेलेंस्की की लगातार मदद की, लेकिन अब नेटो के सामने भी गोला बारूद की कमी बड़ा संकट बन गई है। यूक्रेन के पास हथियार तो मौजूद है लेकिन पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो देश भी लंबे वक्त तक यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन पहले ही कह चुके हैं कि उनके गोला बारूद खत्म हो रहे हैं। बाइडेन कह चुके हैं कि अमेरिका में 155 एमएम आर्टिलरी के गोले बारूद की कमी हो गई है। बाइडेन के मुताबिक यूक्रेन युद्ध की वजह से ही अमेरिका में गोला बारूद की कमी हुई है। इससे पहले नेटो चीफ भी कह चुके हैं कि रूस जिस रफ्तार से हथियार बना रहा है उतने हथियार नेटो के 30 देश भी मिलकर नहीं बना सकते। नेटो देश इस बात पर भी मंथन कर रहे हैं कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद जारी रखी जाए या बंद कर दी जाए, क्योंकि नेटो देशों का भी गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे में नेटो की तरफ से दी जाने वाली यूक्रेन को बारूदी मदद कभी भी बंद की जा सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को या तो बेहद पुराने हथियार दे रहा है या वो हथियार जो अमेरिका के पास भारी मात्रा में पड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक यूक्रेन की जंग में ये गोला बारूद रूस के खिलाफ नाकाम साबित हुए हैं। गोला बारूद की कमी की वजह से यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया में बड़ी जंग हार चुका है। दूसरे मोर्चे पर भी ज़ेलेंस्की को पुतिन के हाथों करारी शिकस्त मिली है। ऐसे में ये आशंकाएं बढ़ गई हैं कि यूक्रेन को आने वाले दिनों में गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।